एक आदिदैविक दुख, एक आदिभौतिक दुख और एक आध्यात्मिक दुख। तीन तो दुख है, तीनों ही दुखों के विनाश के लिए तीन संविधाओं की आहुति दी जाती है। आठ अंगुल की संविधा है। आठ अंगुल का क्या मतलब है? अष्टांग योग। यदि तीन दुखों को समाप्त करना चाहते हैं तो अष्टांग योग उसको समाप्त करेगा। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है ये बड़ी विलक्षण है। आज शिक्षा जगत से जुड़े हुए हमारी विभूतियां आ गई, इसलिए ये विचार आ गया मन में। भारत की शिक्षा ही दर्शन है, दर्शन अलग से कुछ नहीं है। पश्चिम की एजुकेशनल जो सिस्टम है वो फिलॉसफी नहीं है। फिलॉसफी के लिए कुछ और, उनको कुछ और बुक लिखनी पड़ी, कुछ और तथ्य घड़ने पड़े, है ना, कुछ और अलग ढंग का कुछ प्रयास करना पड़ा ना। भारत की पहले ही दिन, जो प्रथम दिवस माँ अपने बच्चे को शिक्षा देती है, पहले दिन जब बच्चा बोलने के लायक हो जाए, तो जीवन का निचोड़, जीवन का निचोड़ उसी दिन प्राप्त करा देती है। एसेंस ऑफ लाइफ, एसेंस ऑफ राइचियसनेस, एसेंस ऑफ फिलॉसफी और एसेंस ऑफ रिलीजन एक वाक्य में, एक ही पाठ में। क्या जब हम, क्योंकि भाषा तो पहले तो भाषा संस्कृत थी ना, हिंदी तो उसकी बेटी है। मुगलों के, अंग्रेजों के काल तक भी संस्कृत भाषा का बोलबाला था। आज भी एक आध गांव, वो कर्नाटक का एक गांव, वहां अनपढ़ आदमी भी संस्कृत बोलते हैं, क्योंकि सारे गांव की भाषा ही संस्कृत है, मदर लैंग्वेज। तो जब पहले दिन पढ़ाती है, तो जब पहले दिन हम पढ़ाने लगते हैं बच्चे को, तो पढ़ाते हैं पुरुष, पुरुष पर्सन। अंग्रेजी में भी पहले दिन पढ़ाते हैं तो क्या है, पर्सन, आई। अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कौन है? अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कौन है? आई, अकॉर्डिंग टू मतलब ग्रामर, इंग्लिश की ग्रामर के अनुसार अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कौन है? आई। और संस्कृत में फर्स्ट पर्सन कौन है? सा, ही, नॉट मी, वह। संस्कृत में फर्स्ट पर्सन कौन है? वह। और थर्ड पर्सन संस्कृत में कौन है? मैं। ये स्वर्ग प्राप्ति का फार्मूला है। ये ईगोलेस लाइफ, ईगोलेस सोसाइटी, ईगोलेस लाइफ जीने का इससे बड़ा कोई पाठ नहीं। और ये पहले दिन पढ़ाया जाता है। तो जब भारत की जो शिक्षा है वो पहले ही दिन, ऋषियों की यही तो विशेषता है। पहले सूत्र में योग दर्शन में क्या है? अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा खत्म तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तीन सूत्रों में योग दर्शन समाप्त। इसको थोड़ा सा ऊपर से ना लगवा दो, उसको टेंट वाले को, कोई नहीं, कोई नहीं, अभी हो जाएगा, कोई कोई बात नहीं। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, योग दर्शन की कहानी खत्म। अब आओ वेदांत दर्शन पे। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः, दो सूत्रों में वेदांत दर्शन का सार समाप्त। अब आओ सांख्य दर्शन पे। अथ त्रिविध दुखम अत्यंत निवृत्ति,
त्रिविध दुखों की जो अत्यंत निवृत्ति है पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ है। पहले सूत्र में न्याय दर्शन, पहले ही सूत्र में कहानी समाप्त। वैशेषिक दर्शन, पहले ही दर्शन में, पहले ही सूत्र में। पीछे थोड़ा कम बोलो बेटा, है ना। तो जो माँ अपने बेटे को, बच्चे को जब वो बोलने लायक हो जाता है, जब उसको उपदेश करती है, उसको कुछ सिखाती है, वर्णमाला इत्यादि सिखाने के बाद में जब वाक्य विन्यास सिखाया जाता है, तो उसे जीवन का मर्म और धर्म सब कुछ समझा दिया जाता है। क्या है? आई इज द थर्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू संस्कृत ग्रामर, और आई इज द फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। ये सभ्यता का फर्क है। ये हमारी, इसलिए तो भारत विश्व गुरु बना। आज क्या है संसार में सबसे बड़ी बीमारी क्या है जिसकी आज तक वैक्सीन नहीं बनी? सबसे बड़ी बीमारी का नाम बताओ, अब तक वैक्सीन नहीं बन पाई। और जब तक ये धरती सूरज चांद रहेंगे वैक्सीन नहीं बन सकती। क्या है? आई माई मी माइन, कोई वैक्सीन नहीं है। डॉक्टर बना ही नहीं सकते, पर इसकी एक वैक्सीन है, वो है अध्यात्म। जिसके लग गई आई माई मी माइन भाग गया, नहीं रहेगा। अब कल्पना तो करो, जो सांस ले रहे हो वो सांस बंद हुई, आई माई कहीं है? कहीं नहीं है। इतनी सी कहानी है, बस आप तृप्त हो जाइए, उस रस का पान कीजिए जो रस हमारे ऋषियों ने हमारे सामने रखा है। देखो, गधा कुत्ता चिड़िया कबूतर गाय घोड़ा हाथी, ये दुखी हो, डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, और स्लीपलेसनेस की बीमारी हो, तो बात बनती है। क्यों? घर का ठिकाना नहीं, भोजन का ठिकाना नहीं, सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं। चिंता किसको होनी चाहिए? गधे को, कुत्ते को, घोड़े को, चिड़िया को, कबूतर को। न सोने की जगह, न घर, न कपड़े, न वस्त्र, न भोजन, न सिक्योरिटी। और चिंता, डिप्रेशन, स्ट्रेस किसको है? जिसका पक्का मकान है, बंदूक वाला बाहर खड़ा है, पांच कुत्ते भी लिए हुए, बैंक बैलेंस है, खाने को इतना है कि गोलियां खा खा के खाना पड़ता है। क्यों चिंता है? क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं हुआ, वैक्सीनेशन नहीं हुआ। वैक्सीनेशन क्या है? अध्यात्म, धर्म, नैतिकता, चरित्र, परोपकार, यज्ञ, सेवा, गायत्री जाप, प्रभु भक्ति, ये सब वैक्सीनेशन है। इन सारी चीजों के समूह का एक नाम क्या है? अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल, स्पिरिट का मतलब है आत्मा, अध्यात्म का मतलब आत्मानम अधिकृत्य यत किंचित क्रियते तत् अध्यात्म। अधि में ना, आत्मा को अधिकृत करके, आत्मा को अधिकृत करके अर्थात आत्मा को लक्ष्य में रख के, आत्मा को सामने रख के जो काम किया जाता है वो अध्यात्म है। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा को, इससे मेरी आत्मा की उन्नति है या अवनति है, इससे मेरे आत्मा का श्रृंगार है
या अपमान है, इससे मेरी आत्मा का सम्मान है या उसकी गिरावट है या उसमें ऊंचाई है, मेरी आत्मा इससे गिर रही है या उठ रही है, इन सब इस प्रकार से विचार करके जो कुछ भी किया जाता है उसका नाम अध्यात्म है। मैं कहता हूँ बॉर्डर पे लड़ता हुआ हमारा एक सैनिक देश के लिए राष्ट्र के लिए लड़ता है, गोली खाता है, आगे बढ़ता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है, आगे से गोलियों की बौछार आ रही है, आपको तो पानी की बौछार आ रही हो, वापिस भाग आते हो, अभी पानी बरसने लगे बाहर वापिस आ जाओगे, गोलियों की बौछार आ रही है और आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, वो आध्यात्मिक है इसलिए आगे बढ़ता जा रहा है। मैं का मोह चला गया उसके अंदर से। हाँ, आप यहां से अब निकलोगे और बाहर गाड़ी में बैठोगे, मैसेज आ जाए कि ब्रह्म सरोवर के पास में तो बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है, आप वहां से वापस मुड़ जाओगे। उसे तो जब वो चलता है गाड़ी में बैठता है बॉर्डर पर लड़ने के लिए, उसे पता है कि वहां तेरे लिए गोली है और वो फिर भी प्रसन्नता से खुशी से सुख के मारे फूला नहीं समाता, नारे लगाता हुआ छाती पे गोली खाता है और आगे बढ़ता चला जाता है, मार करके मरता है, वो आध्यात्मिक है। ऐसे नहीं कर सकता। सन्यासी और सैनिक एक ही जीवन है। सन्यासी भी स्व का मोह छोड़ देता है परोपकार परम कल्याण परमार्थ तत्व के लिए, और सैनिक भी स्व का मोह छोड़ देता है अपनों के लिए, अपने देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, इसलिए दोनों मोक्ष में जाते हैं। श्री कृष्ण जी महाराज ने गीता का उपदेश देते हुए इसलिए तो अर्जुन को कहा था, अरे मरेगा तो मोक्ष जाएगा, जीवित रहेगा तो राज्य का भोग करेगा, तेरा घाटा कहीं नहीं है। धर्म युद्ध लड़ते लड़ते मरेगा तो मोक्ष प्राप्ति करेगा और जीवित रहेगा तो चक्रवर्ती राज्य को भोगेगा, चिंता काहे की है। इसलिए मैं आपको कहता हूं, कई बार मेरे से पूछ लेते हैं लोग, हमारे बच्चे कहीं नए नए अधिकारी बनते हैं, जी क्या करें, कुछ ये आजकल का चलन ऐसे ही हो गया, रिश्वत ना लें तो बहुत बड़ी परेशानी, ले तो बहुत बड़ी परेशानी। मैंने कहा भाई देखो साफ साफ है हमारा तो धर्म का फंडा, क्या रिश्वत नहीं लोगे तो हो सकता है राजा की डांट खानी पड़े, हो सकता है, क्योंकि आजकल चलन ही ऐसा हो गया। रिश्वत नहीं लोगे तो राजा की डांट खानी पड़ेगी, यदि राजा भ्रष्टाचारी है तो, और यदि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे हैं तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो फकीर फक्कड़ आदमी पीछे पहुंच गए वहां क्या नाम है उसका धाम का, बद्रीनाथ है ना, गुफा में जा बैठे तो मुझे केदारनाथ गुफा में जा बैठे। मेरे को एक आदमी ने कहा, ये हमारे प्रधानमंत्री को हो क्या गया है, ये गुफा में क्यों बैठे। अरे मैंने कहा ये राज ऋषि है, फक्कड़ है, इसने बता दिया भाई यहां जब तक है तो प्रधानमंत्री का जो निवास है उसमें है, यहां से निकलेंगे तो अपनी आगे की जगह बता रहे हैं कि मैंने आगे कहां जाना है। हाँ, राजा के बाद में क्या करते थे हमारे राजा, भर्तृहरि ने राज छोड़ा, सन्यासी हो गए, जंगल में चले गए। तो यदि राजा कोई भ्रष्टाचारी हो और कोई ईमानदार कर्मचारी है तो रिश्वत ना लेगा तो राजा की डांट खानी पड़ेगी, और रिश्वत लेगा तो भगवान की डांट खानी पड़ेगी। अब दोनों में से देख लो किसकी डांट खानी है। रिश्वत लोगे तो भगवान तंग करेगा, नहीं लोगे तो राजा तंग करेगा। रिश्वत लोगे तो भगवान मार मारेगा, थप्पड़ मारेगा, नहीं लोगे तो राजा मारेगा। किसका थप्पड़ खाना है ये तय कर लो। मत ऐसे बस एक ही बात में खत्म कर देता।
मार किसकी खानी है ये देख लो, यदि उसकी खाओगे तो इसकी मार मार ही नहीं रहेगी। ऋषि दयानंद जी महाराज को उठाया और नदी में फेंक, गंगा में फेंक दिया, तैर के बाहर आ गए। फिर जहर दिया, फिर सांप फेंका एक दिन, फिर तलवार चलाई कर्ण सिंह ने, बोला इनकी मार से क्या झुकना, उसकी मार नहीं पड़नी चाहिए, परमेश्वर की मार नहीं पड़नी चाहिए, बाकी तो सब मार मार नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो तो हमारा तप है। ध्यान रखना, कष्ट और दुख अलग है। यदि अधर्म से सुखी होना चाहेंगे तो दुखी हो जाएंगे, और यदि धर्म का पालन करेंगे तो कष्टमय जीवन रहेगा पर सुखी रहेंगे। जीवन तो कष्ट में रहेगा, हो सकता है मकान ना हो, हो सकता है सस्पेंड भी हो जाए, हो सकता है इंक्वायरी खुल जाए, हो सकता है टर्मिनेशन भी हो जाए, पर नींद की गोली लेके नहीं सोना पड़ेगा, ये गारंटी की बात है, पक्की गारंटी की बात है ये। नींद की गोली लेके नहीं सोना पड़ेगा। और मेरा एक शिष्य इनकम टैक्स कमिश्नर बन गया, उसने कहा स्वामी जी मेरा जो बॉस था बड़ा, एक दिन रात को मेरे पास में आया, हाथ जोड़ने लगा। मैंने कहा क्यों, जूनियर के आगे सीनियर बॉस क्यों हाथ जोड़े? बोला बेटा मेरे से बहुत गलतियां हो रही है, और ये देखा के बोला बिस्तर जो बना हुआ था ना, बिस्तर डबल बेड, डबल बेड का उन्हें ढक्कन खोल के दिखाया तो क्या निकला, नोट ही नोट। बोला सरेंडर करवा दे कैसे भी करके, मेरी जान बचा दे, मुझे नींद नहीं आती, देख मेरी पलपिटेशन बढ़ी हुई है, मेरे को 3 स्टंट डल गए। अरे क्या आग लगाए इस धन को, क्या करेंगे? बोला जी मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं कोई उपाय करता हूं। बोला धीरे धीरे धीरे, फिर एक दिन वो बोला अब मेरी छाती से वजन उतर गया। छाती पे वजन चढ़ाया किसने था, खुद ही ने, खुद ही ने तो चढ़ाया था। तो मनाए मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, हम ही तो बंधन में है, हम ही मोक्ष में। जब हमारे कमरे में सोने के बाद में बाहर का कुंडा लग जाता है तो हम बंधन में हो गए, और जब हम अपने कमरे में घुस करके अंदर की चिटकनी लगा लेते हैं तो हम मोक्ष में, बंधन में नहीं है। दरवाजा तो बंद है, कुंडी तो अभी भी लगी है, बाहर से किसी ने लगा दी तो बंधन में है, अपने आप लगा दी तो मोक्ष में है, जब मर्जी खोल लो। तो बाहर की चिटकनी अपनी किसी को नहीं लगाने देनी अपने जीवन में, नहीं तो कुछ भी हो बंधन में ही रहेंगे। तो आज जाना है कुछ आगे के कार्यों पे, तो थोड़ा सा सम्मान की प्रक्रिया है उसको पूरा कर दे। आज हमारे बीच में मेरा बहुत प्रिय विषय, मुझे सबसे प्रिय विषय यदि कुछ है तो वो शिक्षा है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने भारत का कल्याण किया तो शिक्षा के कारण, नारी का उत्थान हुआ तो शिक्षा के कारण, दलित का दबे कुचले का उत्थान हुआ तो शिक्षा के कारण। इसलिए महर्षि दयानंद जी महाराज ने शिक्षा के द्वार सभी के लिए खोल दिए। फिर DAV संस्था बनी, और नॉन गवर्नमेंट एशिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, आप तो शिक्षाविद जानते हैं सब। तो शिक्षाविद आज आए, मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया। आप ही भारत का भाग्य बदल सकते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से पूछा था एक बच्चे ने, When India becomes corruption free, कब हो जाएगा इंडिया करप्शन फ्री? उसने कहा जब प्राइमरी तक की एजुकेशन आध्यात्मिक और नैतिकता से परिपूर्ण हो जाएगी। That was the answer from APJ Kalam. प्राइमरी एजुकेशन, सारा फंडा हायर एजुकेशन का नहीं है, हायर एजुकेशन का तो फंडा ही नहीं है, और हमारी नीतियां शिक्षा की थोड़ी गड़बड़ चल रही है, प्राइमरी पे कोई ध्यान ही नहीं है। सबसे योग्य टीचर, आप प्राइवेट स्कूल में जाओ, प्राइमरी का टीचर कैसा मिलेगा? थोड़ी सी पढ़ी हुई लड़की, थोड़ा सा कुछ, चलो प्राइमरी तो पढ़ानी है ना, नहीं। सबसे योग्य आयु वृद्ध और सबसे सीनियर अध्यापक प्राइमरी का होना चाहिए,
आयु वृद्ध जो छोटी छोटी चेष्टाओं को भी समझता है। मैं तो हैरान हुआ, एक बार दिल्ली की खबर आई, प्लस टू में लड़का था और मैडम भी बहुत छोटी उम्र की, प्लस टू में अध्यापक लग गई, दोनों ने शादी ही कर ली। हाँ, एक स्कूल की खबर आई थी, सच्ची थी खबर, बहुत छोटी आयु की, हो सकता है प्लस टू के बाद में ही लड़की घर की कोई सिफारिश से और कोई ऐसे टीचर लगा दी हो, तो थोड़े दिन तो रहे गुरु शिष्य, फिर बाद में पति पत्नी बन गए। ये शिक्षा नहीं है। सबसे सीनियर मोस्ट अनुभवी शिक्षक और शिक्षिका प्राइमरी स्कूल तक की हो तो देश का है ना, 25 साल में देश का कल्याण हो जाए। और संस्कृत पहली क्लास से लागू हो। संस्कृत भाषा नहीं है, मैंने अभी बोला ये भाषा है, अभी जो मैंने व्याख्या की ये लैंग्वेज है या फिलॉसफी है, दर्शन है। संस्कृत लैंग्वेज नहीं है, संस्कृत जीवन दर्शन है। जीवन उसके शब्द में ही दर्शन है। जैसे पानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पानी को अंग्रेजी में जल कहते हैं, वाटर क्यों कहते हैं? कैन एनीबडी आंसर दिस क्वेश्चन? नहीं, कोई नहीं इसका जवाब दे सकता कि अंग्रेजी में पानी को वाटर क्यों कहते हैं। नोबडी कैन आंसर। और पानी को संस्कृत में क्या कहते हैं? जल। क्या कहते हैं? जल। जीवनम लाती इति जला, जीवन लाता है इसलिए जल है। पेड़ सूख रहा है, पानी डालो तो क्या आ जाएगा? जीवन। आदमी को चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ, बेहोश हो गया, कोका कोला और ब्रांडी डालेंगे या पानी डालेंगे होश में लाने के लिए? पानी मुंह पे डाला और जीवन वापिस आ गया। जीवनम लाती इति जला। और ये जो आ आ ई ई ऊ ऊ, अब ये तो समय नहीं आज, ये दर्शन है, ये उपदेश है। का खा गा गा, ये सब उपदेश है। एक एक अक्षर में एक एक उपदेश है। एबीसीडी में क्या है? ये का का कबूतर, गा का गधा, तो अंग्रेज ने पढ़ाया ना हमें, का कबूतर गा गधा, ये हमारे पूर्वजों की ये नहीं है, ये तो अंग्रेज ने पढ़ा। अब गधे और कबूतर से बच्चे का आप शिक्षा शुरू करेंगे क्या? हैं? पहला, जब ये ग्रामोफोन का विकास हुआ हॉलैंड में, जिस साइंटिस्ट ने उसका विकास किया तो उसने कहा मैं इस पे रिकॉर्ड करना चाहता हूं। बोला क्या रिकॉर्ड करना चाहते हैं? बोला ऐसी चीज दुनिया की जो सबसे पवित्र हो और अंत तक रहे, मैं वो चीज रिकॉर्ड करना चाहता हूं। बोला क्या? तो उस अंग्रेज साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड पता क्या किया? ओम भूर भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र रिकॉर्ड किया उसमें सबसे पहला। ग्रामोफोन का जब विकास हुआ तो सबसे पहली रिकॉर्डिंग आप अपने बच्चे की, जो आपके बच्चे का ग्रामोफोन है उस पर सबसे पहली रिकॉर्डिंग क्या करना चाहते हो? खा कबूतर, गा गधा, ऊ उल्लू, ये रिकॉर्ड करेंगे उस पे? हैं? का कबूतर, गा गधा, ऊ उल्लू, मां मच्छर और मछली, ये रिकॉर्ड करें उस बच्चे के पवित्र हृदय पे? नहीं, ऋषियों ने इनके लिए अलग अलग एक एक शब्द में एक एक दर्शन है। तो बहुत आपको शुभ आशीर्वाद, बहुत आप लोगों का मंगल हो।